गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं शूट पे। अभी मैं भीमभर में हूँ और ये मेरे मॉडल लोग हैं और कैफ उधर है और हम लोग शूट पे निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको जहाँ पे शूट पे जा रहे हैं वहाँ पे मिलते हैं आपसे। और आप और ये अपनी लेडीज मिलते हैं आप लोग से वहाँ पे लोकेशन पे जाके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लोग जा रहे हैं ऑटो से और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, मैं और कैफ और ये प्रीतम नाम है ना भाई। हाँ, और वो लोग आ रहे हैं ऑटो से और हम लोग निकल चुके हैं अपने लोकेशन पे। मिलते हैं आप लोग से वहाँ पे जाके डायरेक्ट लोकेशन। सो अभी हम लोग बहुत ही पहले पहुँच चुके हैं, वो लोग अभी आ रहे हैं और हम लोग रास्ते में ये टी शर्ट सुखाते हुए लाए हैं हाथ पे ऐसे करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गीला है और उसी पे शूट करना है तो वो गीला है। अभी वो लोग आ रहे हैं तो फिर चलते हैं लोकेशन पे। तो हम लोग पहुँचे हैं लेकिन अभी उधर हैं, हम लोग इधर ही रुक गए। गाइस ठंडी बहुत है, ठंडी तो बहुत ज़्यादा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। साला कितना मोटे लग देगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है गाइस, आप लोग जैकेट और टोपी लगा कर मेरे पास मफलर है लेकिन आप लोग टोपी लगा के रखिए, अभी मैं निकाला हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। अबे चल, ये लोग अभी आ चुके हैं ऑटो से या गाइस अभी इसमें कौन है? हेलो उधर पैसा दो। ए चलो पैसा दो। अबे काफी ज्यादा अमीर लग रहे हो। 20 रुपया में ये लोग आए भीम भर से गाइस। और अभी हम लोग फोन से ही शूट कर रहे थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल और वो लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे आ रहे हैं, पैदल ही निकल रहे हैं और ये लोग हमें छोड़ के भाग रहे हैं। तू ही आगे चला। नहीं, इसलिए तो हम आगे चल रहे हैं, तुम लोग पीछे चलो। मेरे तुम लोग मेरे फैंस हो ना, पीछे चलो। सो गाइस ये सब मेरे सब्सक्राइबर है। क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हो भाई? अरे मैं कहने वाला था, याद करने तो भी बता रहा हूँ, रुको थोड़ा सोच ले, तो याद नहीं। भूल गया, भूल गया। तो आलो क्यों पीछे इतना आ रहे हो तुम? वो देने वाला है ना वो। अच्छा, a few moments later, याद आ गया। हाँ बताओ भाई, तुम बड़े लोग हम छोटे लोग। तुम झोपड़ी हम झोपड़ी वाले, तुम झोपड़ी वाले, तुम भोसड़ी वाले हो। डायलॉग आता है मुझे भी। तो अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं अपने लोकेशन पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पुराना टॉकीज है अपने बिलेरियागंज का। हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे हम लोग शूट करेंगे। अंदर जाने वाला नहीं, अंदर से बंद है। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, चलो इसमें तेलेंगे। तो गाइस ये अपने वार्डन लोग, इधर तैयारी चल रही है। वैसे कोई खास लोकेशन नहीं है, फिर भी बच्चों को पसंद है तो ठीक ही है, अपन तो बड़े लोग हैं। काम हो गया, तैयारी हो गई, इन लोगों का चल रहा है। इतनी काफ़ी ठंड है, मेरी तो ठंड से एकदम से 3-4 हो गई है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा सूट चल रहा है, अभी चेक हो रहा है। मुझे लेके करने के लिए, फिर भी ठीक है, इतना ज़्यादा ठंड आज मेरा मूड नहीं है कुछ भी करने का। तो गाइस पहले अक्षत का सूट चल रहा है कि उसको कहीं जाना है, मुझे भी घर जाना है भाई, ठंडी बहुत लग रही है। बाकी फिर इन भाई लोग का होगा अपने को क्या। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा फोटो आ गया है, काफ़ी तगड़ा है लेकिन पैरों थोड़ा सा। ये फोटो लेने वाला है, ये फोटो देने वाला है। डू नॉट थिंक पीछे डबल मीनिंग। अगले भाई का सूट हो रहा है और उसकी तैयारी हो रही है, उसका चेंजिंग हो गया है। ये भाई का सेकंड लुक, फर्स्ट हो गया। आप लोग देख लीजिए मेरा सेकंड लुक है, अभी मैं सूज ले रहा हूँ इसका, प्रियांशु का, और अपना दूंगा इसको और इसका दूंगा, क्योंकि ये वाइट सूट चाहिए। तो
आप लोग देख सकते हैं। ये है दूसरा सूट, दूसरा बूट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी कैफ का क्लिक हो रहा है, पोज मार रहा है और अपना प्रियांशु भाई शूट कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसका फोटो हो चुका है लेकिन ये मान नहीं रहा है। अभी थोड़ा स्माइल कर ले, और फोटो तो बढ़िया आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फोटो बढ़िया आया है। चल ठीक है, और जैकेट मेरा ले चुका है ये, और मैं ऐसी ठंडी में पड़ा हूँ, ठंडी लग रहा है, और वो उधर शूट कर रहा है मेरा जैकेट लेके। ये आलोक का हो रहा है शूट, और यही अपना कैमरामैन क्लिक कर रहा है, आलोक का हो रहा है शूट। उसके बाद हम लोग का तो हो चुका है, अभी हम लोग निकलेंगे क्योंकि मुझे जाना है मऊ, मऊ से फिर झारखंड। अभी ये ब्लॉग तो कल आ जाएगा, और वो वाला परसों हो सके तो आए, क्योंकि वहाँ का भी बनाऊँगा ट्रैवल, वो तो नाइट का है। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड।